नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आज आपको मिलवा रहा हूं अनुभव शर्मा, जिन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जिसमें इन्होंने रैंक 1 सिक्योर किया है। तो सबसे पहले अनुभव, आपको कंग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। तो यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चले कि किस तरह से जो एग्ज़ाम्स है, एक कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है, उसे किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, कैसी उसकी एक अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपको ये, ऐसा तो है नहीं कि जो एग्ज़ाम है ये एक दो महीने की एक रेस है, ये कई बार एक साल लग जाता है, दो साल लग जाता है, तो एक टाइम के साथ आपको किस तरह से अपने आप को उस तैयारी के अंदर सस्टेन करना है और अपने आप को एक मोटिवेट रखना है उस एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अनुभव, अपना आप अपना एक जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो दें, तो आपकी एजुकेशन क्या रही है और आपने कब से तैयारी स्टार्ट करी है, कौन कौन से आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो और किस तरह से आप यहाँ पे अल्टीमेटली इस जो आपका ये एक जो सक्सेस रही है आपके इस एग्ज़ाम में, जो आपने रैंक 1 हासिल किया है, तो यहाँ तक आपने, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? सर मैं नेटिव प्लेस मेरी बिलासपुर है और मैंने अपब्रिंगिंग शिमला में हुई है। मैंने 2013 में सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने 2017 तक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी है। और मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैं 17 से पेपर देता आ रहा हूँ, जैसे कि इसमें CDS हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो गया, UPSC का पेपर हो गया, हिमाचल के पेपर हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन HAS का पेपर हो गया, अलाइड का पेपर हो गया, यही सब पेपर मैं देता आ रहा हूँ। और ये मुझे 4th ईयर है जब मेरी सिलेक्शन हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे आपने बोला कि 4th ईयर है, सिलेक्शन हुई है, तो देखो 4 साल अपने जो टाइम होता है देना तैयारी के लिए अपनी, जो आपकी इंजीनियरिंग हुई थी उसके बाद, तो अपने आप में देखो एक चैलेंज तो रहती है। तो इस 4 साल में अपने आप को उस एग्ज़ाम तक पहुंचाना, उस वो मोटिवेशन रखना, तो उसमें क्या होती है कि एक बड़ी एक अप्रोच की ज़रूरत रहती है कि आपकी एक बड़ी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहला बात यह है कि आपको उस लेवल पर आपको मोटिवेट रखना है। तो आपकी इस तैयारी को लेकर किस तरह की अप्रोच रही है कि जो आपको ये जो 4 साल आपके निकले हैं तैयारी में? सर टॉकिंग अबाउट अप्रोच, तो मैंने रेगुलरली इसमें प्रैक्टिस की है और रिवीजन किया है। उसके अलावा मैंने डाइवर्सिफाइड सोर्सेज को अपने लिमिट किया है। जैसे मैं 4th ईयर की बात करूं तो मैंने 1st ईयर में मेरे सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, 2nd में कम हुए और 4th में आज मेरे सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, जिससे मैं रिवीजन बहुत जल्दी कर पाता हूं। उसके अलावा सर रेगुलर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि भी जो एस्पिरेंट्स आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि आज की डेट से जो एक जो स्टडी मटेरियल है उसकी एक बड़ी बम्बार्डनेस है ना, अगर हम इंटरनेट पे देखते हो, बुक्स पे देखते हो, तो उसमें क्या होता है फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो बुक्स है, मैगज़ीन है, उनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं किस तरह से कि क्या आपका एक तरीका रहना चाहिए कि किस तरह से आपको इस चीज़ से बचना है कि आपके पास ज़्यादा मटेरियल ना हो इकट्ठा, है ना। तो वो कौन सी बुक्स है जो पढ़नी ही है और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको अवॉइड भी करनी है, तो वो किस तरह से देखते हो आप इसको? अब जब मैं स्टडी मटेरियल की बात करता हूँ, हम सभी को जो तैयारी कर रहे हैं हमें पता है स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं और वो आप सबको कहीं से भी मिल जाएंगी, जैसे पॉलिटिक की होगी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, एनवायरमेंट की शंकर IAS, इकोनॉमी रमेश की किताब अच्छी है और दूसरी उसके साथ हम एक करंट अफेयर्स इकोनॉमी में हम कर सकते हैं। उसके अलावा मेन मैम आपको बात बताता हूँ कि इसमें करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईजी भी होते हैं और इसमें नंबर स्कोर करना भी, आप हमें ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करते हैं, तो आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा एक सप्लीमेंट सोर्स जहाँ से आप करंट अफेयर करें, जो डेली साइट्स जैसे इनसाइट्स हो गया, GK Today हो गया, या जो आपकी मैगजीन आती है या कोई भी मैगजीन होगी जैसे ज्ञानम मैगजीन हो गई, हम यहाँ से इनको कवर कर सकते हैं। तो इस एग्जाम, जो भी एग्जाम है, इसमें हमें सबको पता है कि तैयारी के लिए पहले 1 साल हमें चाहिए, फिर हम एग्जाम में एंटर करते हैं, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड तैयारी नहीं चाहिए। जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है हर एग्जाम का, हमें उसी को स्टिक करना चाहिए और इसे रिविजन करना चाहिए, वो इसमें मेन बात है। नेक्स्ट ये भी है कि जो हिमाचल GK है, देखो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर हम प्रीलिम्स देखते हैं, इस बार भी जो प्रीलिम्स हुआ था, HAS का था या EO का था, जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उनमें प्रीलिम्स में HPGK का बहुत बड़ा रोल रहता है। और उसके बाद अगर हम मेंस में देखते हैं, चाहे मेंस अलाइट का है, चाहे नायब तहसीलदार का है, चाहे HAS का है ना, तो उसमें भी HPGK की बहुत बड़ी रोल रहती है। तो HPGK कैसे तैयार कराया आपने, कहाँ से कराया आपने? बिल्कुल सर, HPGK तैयार मुझे, जब मैंने शुरू में तैयारी शुरू करी थी HPGK की, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि HPGK आपको जैसे पता है कि काफ़ी समय उसमें याद रखना पड़ता है, मगर अब मैंने उसका ढंग क्या सोचा ढूंढा था कि मैं उसको बार बार रिवाइज़ करता था।
एक भलोकड़ा किताब है, सभी को वो पता है किताब, लेकिन वो किताब कवर करना बहुत मुश्किल है, उसके अंदर काफ़ी कुछ एक्सटेंसिव नॉलेज है और हमें उतनी ज़्यादा भी एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने आपकी किताब थी जो शॉर्ट फॉर्म है भलोकड़ा का, मैंने उसको कवर किया और उसको मैंने रिपीटेटिव रिविजन किया। उसके अलावा सर करंट अफेयर एचपी के वैसे तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मगर जैसे आप तैयारी कर रहे हैं आपको करंट अफेयर ज़रूरी है कि आपको स्टेट के पता हो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जैसे अमर उजाला, और मैंने गिरिराज न्यूज़पेपर बहुत लेट फॉलो किया, और ऐसा नहीं मैं उस गिरिराज को रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी मैं फ्री टाइम में मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा उस एग्जाम न्यूज़पेपर को देख लेता हूँ। और आप वह देखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में पूछा गया, जो गिरिराज में पूछा लिखा गया है, जो गिरिराज में आ रहा है, वो सब कुछ सेम है और आपकी तैयारी की रिविजन ही होगी। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स की होती है हमारी जो हिमाचल की, वो इकोनॉमिक सर्वे से मिलती होती है ना, उसमें से बहुत कुछ निकलता होता है, तो वो भी शायद आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सर, इकोनॉमिक सर्वे मैंने किया और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन पक्के हैं, तो 10 नंबर आपके हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में ये बताऊंगा कि उसको आपको बार बार रिविजन करनी है इकोनॉमिक सर्वे की, क्योंकि उसमें इतनी फिगर्स होती है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको कोई याद नहीं कर सकता, मगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, कंपाइलेशन जैसे आपकी कंपाइलेशन है, किसी और अकेडमी कंपाइलेशन है, आप वहाँ से करें, और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट पाते तैयारी का। अच्छा, एक और जो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं, कई बार कोई बोलता है कि हमें 15 घंटे में पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, कोई बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, 2-4 घंटे पढ़ते थे, है ना। तो वैसे तो हम देखें कि ये बड़ा फैक्ट है इस बात में कि सब बराबर से नहीं होते, कोई काम 10 घंटे में कर सकता है, कोई दूसरे उस काम को 4 घंटे भी कर सकता है ना। तो इस तरह से ये भी बड़ी जो कन्फ्यूज़न रहती है, खासकर जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो अभी तैयारी में एंटर हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद हमें तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो उस तरह से जो आपकी एक डेली रूटीन रहती थी तैयारी करने की, क्योंकि फिर से मैं बार बार ही यही फोकस कर रहा हूँ मैं बात पे कि एक आपको लंबी रेस में चलना है यहाँ पे, तो उसमें इस तरह से नहीं कि आप अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर दो, या तो आप बिल्कुल ही बड़ा ही मतलब लीनियंट हो जाओ कि दो महीने एक महीना पढ़ो ही नहीं, तो उस लंबी रेस के लिए, उतना चलने के लिए आपकी एक बड़ी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो जिसमें आपको इतने घंटे आपने देने ही है दिन के, ये जो प्रोडक्टिव जो आवर्स होते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करते हो आप इसको? सर, सबसे पहले मैं कभी 15 घंटे नहीं पढ़ाऊँ, और ये अभी नहीं स्कूल टाइम या कॉलेज या कभी भी ऐसा नहीं किया। मुझे भी लगता है शायद ये बात सच नहीं है कि जो 12-15 घंटे। सर आपकी रेगुलर स्टडी, जैसे मेरा टाइम काफ़ी हो गया था, मैं 4-5 घंटे का दिन में पढ़ूँ तो मैं उसमें भी काफ़ी कुछ कर लेता हूँ, रिवाइज ही करना होता है अब जैसे। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको, जैसे वो कोचिंग भी जाते हैं, जो घर में भी पढ़ रहे हैं, उस समय हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें, अगर आप ज़्यादा, हर आदमी की कैपेसिटी होती है पढ़ने की, लेकिन हमें इफेक्टिव पढ़ना होता है, और हमें डाइवर्स मतलब इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना है कि जो हमें एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। तो जैसे मैं बताता हूँ सर, अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अब काफ़ी टाइम होगा, तो 45 मिनट्स लगते हैं मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में, लेकिन जो नया एस्पिरेंट होगा उसको वो 1.5 घंटा 2 घंटे भी उसको लग सकते हैं उस न्यूज़पेपर में। उसके बाद से जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, उसके बाद मैं कोई भी ऑनलाइन साइट से करंट अफेयर्स उस दिन के पढ़ता था और उनके डेली नोट्स बनाता था। उसके बाद मैं जीएस पढ़ता था, जनरल स्टडीज, जैसे आपके सब्जेक्ट हो गए, प्री बेस्ड तैयारी होती है, मेंस की तैयारी आप तभी करें जब आपका उसके प्री के बाद, लेकिन उससे पहले आपको स्पेसिफिक वो टॉपिक्स नहीं, मैंने तो कभी कवर नहीं किए, लेकिन सर उसके ये मेरी तैयारी का रूटीन रहता था। और उसके साथ मैं ये बोलूंगा कि हमें तैयारी के साथ हमें रिलैक्स करने के लिए कुछ भी हमारी हॉबी हो सकती है, जैसे पेंटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। अब सर मैं दोस्तों के साथ कभी खेलने जाता था, स्नूकर खेलने चले जाता था, और शिमला में, जैसे शिमला में तैयारी की है, तो शिमला के पास काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं, तो वहाँ घूमने चले गए, ट्रैकिंग पे चले गए। तो आप अपने आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और सर आप अपने दोस्तों से मिले, अपने पेरेंट्स से बात करें जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में है कि आपसे यह नहीं हो रहा, क्योंकि इस तैयारी के दौरान आपको कई टाइम ऐसा लगता है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मगर एक बैलेंस्ड अप्रोच, जो भी जहाँ भी जाओ आप बैलेंस्ड अगर जो रहता है वो प्रोग्रेस करता है। तो अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे स्टूडेंट्स, आपने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, और उसके बाद अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी पढ़ते हैं, और कोचिंग भी करते होते हैं। उसके ऊपर क्या होता है कि सभी को लगता है कि हमारी जो नोट्स फॉर्मेशन है, नोट्स मेकिंग है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना, कितनी इफ़ेक्टिव है या कितनी ज़रूरी है, और किस तरह से इसको बैलेंस तरीके से किया जाना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि हमारा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले तो हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाता है, एनसीईआरटी में लग जाता है, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ, तो आधा दिन पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो नोट्स मेकिंग की क्या तरीका होना चाहिए? सर, नोट मेकिंग मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो किसी भी तैयारी में हो, चाहे वो एचएस या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, नोट मेकिंग। इसका फ़ायदा ये होता है, जब पहली बारी आप बुक पढ़ लेते हैं, उसका आप रिवाइज जब करना हो, तो आप नोट्स में उसको शॉर्ट पीरियड में इफेक्टिवली आप उस किताब को रिवाइज कर सकते हैं।
अब नोट मेकिंग की बात करें सर, हमें एनसीईआरटी जैसे आपने बताया एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब डाइवर्सिफाइड सेक्टर से आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टर सब अलग अलग सेक्टर से आते हैं। तो हमने जीएस से हमारा 10th के बाद से हमारा मैक्सिमम लोगों का नहीं होता कनेक्शन, तो हमें एक एनसीईआरटी से बेसिक आइडिया मिल जाता है, मगर उसके बाद जब हम जो स्टैंडर्ड बुक्स हमारी तैयारी की हैं वो पढ़ते हैं और उनको रिवाइज करते हैं, वहाँ से वो सब्जेक्ट जहाँ से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप बोलें कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम निकालूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें तैयारी के लिए वो करना पड़ेगा। और सर नोट मेकिंग के लिए मैं जैसे आपको मैंने बताया कि मैं करंट अफेयर का डेली साइट पढ़ता था, उसके मैं नोट्स बनाता था, न्यूज़पेपर से अगर आप नोट्स बनाएंगे हमें ये नहीं पता कि क्या नोट्स बनाना है, और क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाएगा, जैसे कोई भी इवेंट है, इंडो चाइना रिलेशंस है, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे करंटली क्या हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ आ जाएगा शिमला एग्रीमेंट के बारे में, तो वो हमें करंट अफेयर साइट से ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है। और नोट मेकिंग सर आप क्रिस्प नोट्स बनाइए, चाहे आप हर उसका सब्जेक्ट का एक अलग से रजिस्टर लगा लें और रिवाइज उसे डेली करें, और नोट्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आज मैंने नोट्स बना लिए और उसके बाद अपडेट ना करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो अपडेटेड आएगा जो करंट में चल रहा होगा, तो अपडेट्स करना उनको नोट को बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे हम देख रहे हैं कि इतना लंबा टाइम होता है, जैसे खासकर आपकी ही अगर बात करें तो आप बोल रहे हो 4 साल के बाद मुझे सक्सेस मिली है, तो इतने टाइम में क्या होता है कि अपने आपको कई बार होता है ना एक सेल्फ मोटिवेशन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है, फैमिली का रहता है, इवन अपने फ्रेंड्स का रहता है, कई बार वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना, कई बार अपने अंदर ही ऐसी कुछ इस तरह की बातें आने लग जाती है कि पता नहीं मेरा शायद ना हो, शायद मुझ में वो बात नहीं है, है ना, तो ये चीज़ नेगेटिविटी आने लग जाती है, बड़ा नेचुरल ये सबके साथ होता है, बट जो मैं खुद भी समझता हूँ कि इनको इनके अगेंस्ट जाके ही आप सक्सेस पा सकते हो, है ना, तो आपके साथ भी सारी चीज़ें हुई होगी, तो कैसे आपने इनके साथ डील किया है? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो तैयारी का टाइम हमें ऐसा नहीं है पूरा सोशली कट ऑफ हो जाना है, हमें अपने आप को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। जैसे कि सर मैं तैयारी जब मैं दिन में पढ़ लेता था, शाम को मैं या मैं वॉक पे चला जाता था या शिमला में जो स्पॉट्स हैं, या मैं स्नूकर खेल लेता था दोस्तों के साथ, दोस्तों से हमने बात फ़ोन पर बात कर ले, गाने सुन ले, मूवी देख ले, कुछ भी कर ले जिससे हम रिलैक्स, जो हमें इन्जॉय करते हैं, कोई हॉबी अपनी पेंटिंग परस्यू कर लें, जो भी आपकी हॉबी होगी। उसके अलावा सर तैयारी हम पूरे दिन नहीं कर सकते हैं, हमें इफेक्टिवली, मैंने जब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें इफेक्टिवली पढ़ना है, हमारे सोर्सेज ठीक होने चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, और हर एग्जाम की एक डिमांड होती है, और हिमाचल में जैसे मैंने देखा कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक HP जनरल स्टडीज साइट है, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, और सर एक आपकी किताब बुक भी है जोक्टा अकेडमी की, वहाँ सर सारी कंपाइलेशन मिल जाती है एग्जाम की। तो हमें बात यह है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ ना और भी मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो बात करते हैं, और मेरे खुद के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे एकेडमी में होते हैं ना, तो आप लोग भी इसी तरह आते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक एग्ज़ाम आपका नहीं निकलता किसी वजह से, है ना, हो सकता है आप एलाइट के प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाओ, ना किसी और के प्रीलिम्स से बाहर हो जाओ, किसी के आप मेन से बाहर हो जाओ, तो इसका मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सिलेक्ट कर लो कि हाँ कि ये मेरा पेपर नहीं हुआ तो अब शायद मेरा नहीं होगा, तो एक पेपर कई बार दूसरे पेपर पे असर ना होने दे। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनका कई बार कोई छोटा सा एग्ज़ाम भी नहीं होता, बट बाद में वो अपने आप को उस लेवल पे रखते हैं, अपने को सस्टेन रखते हैं उस तैयारी के अंदर, तो HS बन जाते हैं। तो अब ये क्या होता है कि जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल में, चाहे वो अलाइट का है, चाहे वो EO का था और DM का था, अभी HS का मेंस है, उनके जो रिजल्ट भी है उसका साथ आ जाता है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक में आप फेल हो जाते हो शुरू में और दूसरा का मेंस आने वाला होता है या इंटरव्यू आने वाला होता है, तो तब तक क्या होता है कि हम अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है वो खो जाते हैं। तो ये शायद आपके साथ भी होगा, इस तरह से एक पेपर से बाहर हो रहे हो, दूसरे में कहीं इंटरव्यू जा रहे हो, दूसरे में कहीं मेंस में जा रहे हो ना, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करोगे आप, कैसे मैनेज किया था आपने कि आप अपने जो अल्टीमेट गोल है वहाँ तक अल्टीमेटली पहुँच जाए? बिल्कुल सर, इस ऐसा नहीं है सर, फेलियर सभी को आते हैं और फेलियर उसी को आते हैं जो ट्राई करता है, और मैं ये बोलूँगा कि कोई भी इवेंट हमारी ज़िंदगी में हमारी आगे की लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में और कोई भी बाहर भी कोई इवेंट हो रहा है तो अब वो हमारी ज़िंदगी नहीं डिसाइड करेगा। तो सर मोटिवेशन, हमें मोटिवेटेड हमें रहना, और ये सही बात है, हर समय मोटिवेटेड भी नहीं रह सकते, जब फेलियर आता है किसी को फेलियर पसंद नहीं होता, और वो मुझे भी पसंद नहीं था, और जब रिपीटेडली आपको फेलियर, जैसे आपने बताया कि सारे रिजल्ट्स एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करें, तो सर सबसे पहले जैसे मैंने पिछली बार में 2 बार HS नहीं हुए, तो जिस दिन मेरा नहीं होता उसके बाद तो हम दुखी तो सब होते हैं, तो 5-6 दिन का दुख होता है सर, सबको होता है, 5-6 दिन दुख बनाया और उसके बाद सर हमें नॉर्मल वापस होना चाहिए। ये बैलेंस्ड अप्रोच सर ज़िंदगी में, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर की एक क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बैलेंस्ड उसे रहना है, और जब सिचुएशंस जैसे आपके विपरीत हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो आप ये रियलाइज याद करें कि आपने इस तैयारी को क्यों शुरू किया था। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको सोसाइटी की सर्विस करनी है, आपको डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ जॉब करना है, आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड पर जो आपको लगता है और लोग नहीं। और मैं ये बताऊँगा सर कि
फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। मैंने पुराने कैंडिडेट्स देखे हैं, बहुत रेयरली कैंडिडेट्स होते हैं जो एचएस में पहली पहली बारी में, ऐसे होते हैं जो पहली पहली बारी में, लेकिन सर उनकी स्ट्रैटेजी का भी फर्क होता है और हर आदमी की रिटेंशन कैपेसिटी है कि तैयारी करने की, वो इंटेलिजेंट कितना है कैसा है, तो वो करते हैं। लेकिन जैसे रिपीटेडली जो कोशिश करते हैं और सही डायरेक्शन में कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को करेक्ट करना और ये गलत मानना कि हाँ मेरी गलती थी, मुझमें कमी थी तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तभी हम आगे जाके सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ यस, तो मैं भी आपको यही चाहता हूँ क्योंकि मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ मैं उसी बेस पर पूछ रहा हूँ कि जो मुझको इस तरह की क्वेरीज आती है जब मैं स्टूडेंट में से मिलने आते हैं, तो मैं यही देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप वो डिमोटिवेट हो जाते हो उस तरह से कि मेरा पेपर नहीं निकल रहा है। तो देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो भी मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपसे जो हमारे टॉपर्स होते हैं उनको मिलाऊँ मैं इस तरह से, तो उनके साथ भी यही होता है कि वो एक पेपर से बाहर निकल जाते हैं, फिर दूसरे में नहीं होता, फिर अपनी वो उम्मीद नहीं छोड़ते, है ना। कोई एक पेपर आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता, एक पेपर आपकी पूरी प्रिपरेशन को डिसाइड नहीं करता और आपके टैलेंट को नहीं डिसाइड करता, आपका इंटेलिजेंस लेवल है वो नहीं डिसाइड करता, क्योंकि आपका एक टाइम होता है कई बार सही नहीं भी चल रहा होता है, कुछ कमियां रह जाती है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि कुछ कमियां रहती है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इस तरह से जो साथ साथ रिजल्ट आते हैं तो उनको उसी तरह से एक दो दिन का होता है कि सबको रहता है थोड़ा दुख, उससे बाहर निकले और तुरंत तैयारी करे और अपने आप को ऐसे जज ना करे, अपने आप को जज करने की कोशिश ना करे एक पेपर के साथ। तो ये आपकी एक बात है कि एक सीरीज़ है, एक इवेंट्स है, ये आपको इसके साथ चलते रहना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया कि आप इस एग्ज़ाम के लिए आ रहे हो और है भी बहुत बढ़िया बात। देखो कॉम्पिटिशन आपको एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक रियलिटी दिखाता है, क्योंकि अपने बारे में भी आपको उससे नॉलेज मिल जाती है तो मैं कौन हूँ, है ना, कैसे मैं फाइट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इतना डीमोटिवेट ना हो इन चीज़ों से, क्योंकि ये सक्सेस मिल जाती है अगर आप कंटिन्यूसली अगर सही से एफर्ट्स करते रहे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे एचएस की बात करें कि आपने दो बारी मेंस लिखे, यूपीएससी के लिखे हैं, तो उस तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में क्या है कि अब जो अप्रोच है थोड़ी वहाँ पे डिफरेंट हो जाती है मेंस की तैयारी के लिए। देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, हम कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से प्रीलिम होगा, जैसे लास्ट ईयर वाला थोड़ा फैक्चुअल था, उससे पहले वाला थोड़ा कंसेप्चुअल था, है ना, और उसको हम कमीशन को ब्लेम भी नहीं कर सकते इसलिए कि आपने किस तरह से भी पेपर बनाया, क्योंकि उनको तो वैसे लोग मिल नहीं है, चाहे वो जैसा मर्जी पेपर डालें तो एग्ज़ाम तो होना ही है। तो अब प्रीलिम्स की आपकी किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था अगर वैसा प्रीलिम आ जाता है, ठीक है सर, तो कैसे करोगे आप उसको डील, क्या बताओगे आप स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से? सर लास्ट ईयर का प्रीलिम्स सही बात है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था और ये बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे पहले एग्जाम क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे। तो सर इसका मैंने एक सोर्स देखा है ज्ञानम मैगजीन या जीके टुडे, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आए हैं, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो तो हम सब कर लेंगे जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो हमारे करंट अफेयर वाला पार्ट है उसके लिए हमें सोर्सेज, आप विजन आईएएस इनसाइट्स पढ़ेंगे वहाँ पे वो करंट अफेयर बिल्कुल भी कवर नहीं हुए थे। तो हम ये कर सकते हैं कि रोज़ हम जब न्यूज़पेपर पढ़ लें, हम जीके टुडे जो साइट है, इनसाइट्स है, जो आपकी मंथली कंपाइलेशन आती है मैगजीन की, हम उसको कवर कर लें कि जहाँ से हमारा ऐसा ऐसा कवर हो जाए, क्योंकि अब कोचिंग अकेडमीज में अपना थोड़ा ध्यान उस साइड को जाएगा कि जैसे ये प्री आएगा। और जो स्टैटिक पार्ट की मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ का, जैसे मैंने आपको रेलेवेंस बताया है, टेस्ट सीरीज़ आप कहीं से भी करें, नेट से आप डाउनलोड कर लें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको करनी ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ जो भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी पढ़ता है उसका पढ़ने से पेपर ही निकलता है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ जो देता है, एक तो आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है और आपको अपनी गलतियां पता लग जाती हैं टेस्ट सीरीज़ के, आप क्या गलतियां कर सकते हैं, और जब आप पेपर में नहीं करेंगे तो आपका प्री पक्का ही क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा उसी तरह से देखो अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में थोड़ी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पे शायद हमें इतनी फैक्ट जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, ना आपको टू द पॉइंट लिखना है आंसर। तो किस तरह से आपकी अप्रोच रही है मेंस को लेकर? चलो अभी हम उम्मीद करेंगे कि आपका एचएस का इंटरव्यू आए और आप सेलेक्ट भी हो जाए, तो क्या रहता है आपका? सर मेंस की मैं बात करूँ, जब ये नया पैटर्न हमारा जब से आया है और मैंने पहला मेंस अपना 18 में दिया था 18-19 और ये मैं थर्ड मेंस है, तो मैंने देखा मेंस का लेवल सर इसमें ऊपर जाता ही अच्छा लेवल होता रह रहा है। और इस बारी सर जो क्वेश्चंस हमें आए हैं जैसे डिस्कस, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामिन, ये सर पहले इतने नहीं आते थे, और तो मेंस का लेवल जैसे आपको ऊपर बढ़ता है तो हमें तैयारी भी अपनी वैसे इंप्रूव करते रहना चाहिए। और सर मेंस में मेन बात है आंसर राइटिंग की, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है उन्हें आता सब कुछ है लेकिन वहाँ कम स्पेस में लिखना होता है, और मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे आता सब कुछ है लेकिन मुझे कम स्पेस में लिखने में उसे प्रॉब्लम होती थी। दूसरी प्रॉब्लम सर उसमें राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ जैसे मैं आपका देख रहा था आपका जो लिखने का जो तरीका था थोड़ा
एक साइड से ऊपर थे आप बिल्कुल सर, और बाद बाद वो सही सीधा हो गया सर। जैसे पहले हमें रूल शीट्स आती थी, इस बार में प्लेन शीट्स आई है मेंस के अंदर, तो ये भी चैलेंज होता है। तीसरा सर, तीसरा चैलेंज है कि कई बार हमें नॉलेज नहीं होती है किसी चीज़ की, लेकिन इसके हमें रेक्टिफाई करके करना, ये बड़ी बात होती है। तो सर पहली बात तो हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमसे लिखा भी नहीं जा रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं रोज़ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। आप कोई भी साइट ले लें, वहाँ पर रोज़ एक क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड आता है। जैसे कि आप हिंदू में अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ऑनलाइन, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, लिखें घर में। और इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, आप खुद लिखते रहें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपको इवैल्यूएट जब करेगा। और देखो, जब पहला आप आंसर ज़िंदगी में लिखोगे वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेकार आंसर होगा जो आप लिखोगे, मगर वो लास्ट बार ही होगा कि आप बेकार लिख रहे हो। जब धीरे धीरे इंप्रूव करते रहोगे, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम पर कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपको इवैल्यूएट करके देते हैं, तो हम या कोचिंग अकेडमी से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेंस में आंसर राइटिंग की ही सारे जो जिसे आप सिलेक्शन जो डिटरमाइन करता है वो आंसर राइटिंग होती है। नॉलेज सभी को होती है, कौन कैसा लगता है यही मैटर करता है। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपसे एक आपकी सजेशन होगी, या आप किस तरह से आप जो एस्पिरेंट्स है उनको क्या बताना चाहोगे? कि देखो, एस्पिरेंट्स को जो मैं अपनी नज़र से देखता हूँ, दो तरह के देखता हूँ। तो पहले तो वो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने भी स्टार्ट किया है, तो उनमें क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हमने भी तैयारी की थी, आपने भी तैयारी की थी, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें हमारे जो होता है कि हमें एक साल में सब कुछ मिल जाए, थोड़ा पेशेंस उसमें कम रहता है, और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो थोड़ा बुरा भी लगता है, तो वो कुछ ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बड़ा नेचुरल है, हर एक को लगता है कि अगर हम तैयारी करें तो रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए। तो वहाँ भी एक ज़रूरत है, एक ठहराव की ज़रूरत है, राइट। और दूसरे तरह के एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिनका थोड़ा टाइम लग जाता है, एक साल लग जाता है, दो साल लग जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, अपनी जो उनकी एक होप होती है वो थोड़ी कम होने लग जाती है ना, थोड़ा उनको अपने ऊपर शक करने लग जाता है। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी है जो एस्पिरेंट्स की है, और दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, क्योंकि एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट करो और वो चीज़ ना मिले तो और ज़्यादा बुरा लगता है। और दूसरा, अगर कई बार आप उस लेवल तक पहुंच चुके होते हो और पहुंचने वाले होते हो और उस टाइम आप डाउन हो जाते हैं ना, तो दोनों को क्या सजेशन दोगे आप कि एकदम से सही से अपनी तैयारी करते रहें, और जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है इस तरह से, एक पहले वाली कि आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो, दूसरा वाला आप थोड़ा अपने आपको हार सा मान रहे हो ना, तो उसमें दोनों के लिए आपकी क्या वो रहेगी इस तरह के राय? बिल्कुल सर, जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, उसका पहले प्री होएगा, फिर मेंस होएगा, फिर आपका इंटरव्यू की स्टेज आती है। तो तैयारी आप एक साल करेंगे, फिर एक साल आपका एग्ज़ाम चलेगा, और अगर आप बाहर हो जाओ तो आपके दो साल श्योर शॉर्ट चले जाते हैं। तो ये पहली बात तो हम सभी ने खुद ही डिसाइड किया कि हमें इस पे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमने खुद ही ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम इसको कंटिन्यू रखें। और नए कैंडिडेट्स को ये होता है, मेरे साथ भी था, कि जब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते रहते हैं, जब एग्ज़ाम होता है, नहीं होता जब पहले अटैम्प्ट, तो हमें लगता है कि अब क्या होगा, कि एक साल वेस्ट हो गया। लेकिन आपकी तैयारी मैं बता रहा हूँ कभी वेस्ट नहीं होती है। आप कुछ भी पढ़ें, जो आपकी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया है वो भी तैयारी आपकी वेस्ट नहीं होती है, वो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कहीं ना कहीं किसी के सब्जेक्ट में यूज़ होती ही होती है। और आप देखें, जैसे आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, हिमाचल के जो भी एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वो अलाइड सर्विसेज हो गया, HAS हो गया, रेंज ऑफिसर हो गया, कंजर्वेटर का हो गया, सब में मेंस में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। और अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, आप वो तैयारी आपके अगले एग्ज़ाम के काम आएगी। सर, नए एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि उनको जो वो तैयारी कर रहे हैं उस पर उनको भरोसा रखना चाहिए, पेशेंस उनको रखनी चाहिए। और हम एक दिन में सारा नहीं पढ़ सकते, वो ग्रेजुअली नए नए एस्पिरेंट्स हैं, जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करेंगे और उनकी उस लेवल का आ जाएगा, उनका प्री क्लियर हो जाएगा। अब सर, नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं इतना अच्छा ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता सकता हूँ। हमेशा जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, हमें सब कुछ आता है, अब मेन बात है रिविजन की। और हमें एक डिले, हम प्रोकेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं, हम चीज़ को नहीं करते हैं कि हम बोलते हैं करंट अफेयर अगले महीने पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, और वो कंपाइलेशन एंड में बन जाती है। अगर हम जो एस्पिरेंट्स जो काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हैं, अगर हम रोज़ भी रिवाइज करें तो हमारा सिलेबस और टाइम पे हो ही जाएगा, ये पक्की बात है। हमें स्टैटिक पार्ट सबको ही पता है कि कहाँ से पढ़ना है, हमें बस करंट अफेयर कवर करना है। लेकिन एक जो रिविजन की बात होती है, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ का पहले स्ट्रेस किया, तो मैंने टेस्ट सीरीज तीनों साल की है, जैसे मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ की, आपकी टेस्ट सीरीज़ करी है मैंने, तो आपको टेस्ट सीरीज़ करें। और रीज़न यही है, पेपर पढ़ने से नहीं, टेस्ट सीरीज आपको अपने आपको इवैल्यूएट करते हैं। और तीसरी बात सर, हमें अपनी गलती को किसी भी स्टेज पे हो, गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे जो फर्स्ट आ रहे हैं तो वो हमसे बेटर ही होंगे, तभी हमारा मेंस नहीं क्लियर हुआ है, तो हमें ये रिपेंट नहीं करना चाहिए। सही बात है कि ऑप्शनल कई बार किसी का नहीं चलता, वो जो वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो कंट्रोलेबल है हमें अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना चाहिए, अपनी बेस्ट तैयारी करनी चाहिए। और ये सही बात है, कोई सक्सेसफुल होगा, कोई अनसक्सेसफुल होगा, और ये हर एग्जाम में होगा। और मैंने ऐसा भी देखा है, कई लोग जो अलाइड नहीं क्वालिफाई कर रहे वो HAS में आ रहे हैं, अच्छे और अच्छे एग्जाम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो वहाँ पे अलाइड भी नहीं कर पाते पर HAS में टॉप कर जाते हैं ना, तो इस तरह से रहता है। एक सवाल मेरा और है इसमें कि अभी जैसे हम देखते हैं हिमाचल में जो लोग HAS की तैयारी करते हैं वो लोग सारे एग्जाम देने की कोशिश करते हैं और देने भी चाहिए,
चाहे वो RFO का है और ACF का है, एलाइड सर्विसेज है, और जैसे भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो कुछ एग्ज़ाम इसके अंदर वो भी है जिनमें मेंस वाला पार्ट नहीं है, नहीं होता। तो शायद वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके पास कि आप एक बारी प्रीलिम्स दो, और जो आपकी इतनी जो तैयारी होती है अच्छे इसके लिए कर रहे हो कहीं और की, तो सारी आपकी यूज़ हो जाती है और उसके बाद आप सीधा इंटरव्यू जाते हो। तो उन एग्ज़ाम को के लिए क्या किस तरह के अप्रोच रखें? डेफिनेटली सर, जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारा EO का एग्ज़ाम था, ये HS के 2 हफ्ते के बाद हुआ ये एग्ज़ाम, और इसके HS के लिए जो मेरी प्री की तैयारी थी मैंने उसी तैयारी को यूज़ किया, मैंने कोई एडिशनल तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए नहीं करी है। तो इन एग्ज़ाम्स में सर ये सबसे बड़ी बात है कि हमें डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, और इसमें मेंस नहीं होगा तो प्री के बेस पर सिलेक्शन हो रही है, तो आपको प्री में अच्छा स्कोर करना ही करना है। सर सबसे पहली बात है कि आप GS तो सबने पढ़ा होता है कि जो एग्जाम में आएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये सही बात है। इकोनॉमिक सर्वे करना अच्छा आपको बहुत ज़रूरी है, आप इकोनॉमिक सर्वे की रीडिंग बार बार मारे, बार बार उसे पढ़ाई करें उस इकोनॉमिक सर्वे की, तो आपको वो चीज़ें एग्जाम में आप देखेंगे कर पाएंगे आप उसको। तीसरा सर, हर एग्ज़ाम में एक डिमांड होती है, जैसे कि EO में आपका मैथ्स आया है, ये आपको इस पार्ट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हर एग्ज़ाम की एक डिमांड है, जैसे EO का मैथ्स और एग्ज़ाम में भी होती है, तो हम उस पार्ट को हमें अच्छे से कवर करना चाहिए। चौथा सर मैं ये बोलूँगा कि हमें मतलब एग्ज़ाम जो हमारे देते रहना, बार बार हमें एग्ज़ाम सारे डाइवर्सिफाइड देने चाहिए, कहीं का ऐसा होता है जैसे HS नहीं निकला लेकिन ये वाला निकल जाएगा, अगला निकल TWO का एग्ज़ाम हुआ उनका वो निकल सकता है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। और हमें इन एग्ज़ाम में टेम्पटेशन ऐसे रखनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे, जैसे आप देख रहे हैं जनरल की पोस्ट कैसे लिमिटेड होती हैं, तो कट ऑफ आपका 60 से ऊपर मतलब जाता ही जाता है, तो हाँ आप ऐसा है कि आप ऐसा भी नहीं कि जैसे होता है कि आप 100 के 100 अटैम्प्ट करके आ जाएँ, तो आपके अगर अच्छे ठीक भी हो रहे होंगे तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे ज़्यादा, तो आप जो भी अपनी रेंज सेट कर ले 70-80, जैसे मैं 70-80 करता हूँ, मेरी एक्यूरेसी जो मैं वही करता हूँ जो मुझे आते हैं, और एक्यूरेसी ठीक है जैसे थोड़ी, तो मैं वही अटैम्प्ट करता हूँ, ऐसा भी नहीं आपको सारे के 100 अटैम्प्ट करके आने, क्योंकि सिलेक्शन 60 वाले का भी होता है, तो आपके नेगेटिव में जाते हैं, तो वही अटैम्प्ट करें जिनका आपका श्योर हो, और रिस्क क्योंकि आपको पता है इनमें 0.25 का गलत होता है, अगर आप एक भी ठीक हो गए और 3 तुक्के मतलब गलत हो गए आपके, तो आपका वो वही बात है नेगेटिव में नहीं जाएगा, आपका 0.25 पॉजिटिव रहेगा, तो ये चीज़ों का ध्यान है आपका जो एक नंबर वाला एग्जाम है इनमें ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस तरह के जो जैसे आपने बताया भी कि प्रीलिम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको आता बहुत कुछ है बट एग्ज़ाम में जाते जाते उनका शायद कुछ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या तो उनको लगता है कि शायद हम सारी चीज़ें भूल रहे हैं इस तरह से, क्योंकि रिवीजन भी की जाती है, बट कई बार क्या होता है कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो प्रीलिम्स से डर जाते हैं, भले मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो एस्पिरेंट्स दिखते होते हैं कि उनके बहुत टाइम से प्रीलिम्स नहीं निकलते होते, तो एक प्रीलिम्स को भी एक हैंडल करना एक अपने आप में कार्ड है इस तरह से कि आप अंदर बाहर पढ़ रहे हो और अंदर उसको अप्लाई कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो किस तरह से करोगे? बिल्कुल सर, प्रीलिम्स का फियर कई लोगों में होता है, और वो जो जिनका नहीं होता उनको नहीं, जिनका होता उनको भी प्री का फ्री है सब, क्योंकि हम अगर उससे बाहर हो गए तो हम पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए प्री का। तो सर इसमें मेन बात यह है कि हम पहले प्री से पहले कितनी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, और टेस्ट सीरीज़ का मैं बार बार रेलिवेंस बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के बिना एग्जाम नहीं निकलते हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें, और प्री में सर एक रेंज होती है जो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, सारे नहीं अटैम्प्ट करने, रेंज में अटैम्प्ट करने हैं, और एक सर गेस वर्क होता है, एक इंटेलिजेंट गेस वर्क होता है कि गेस हमें बिल्कुल ही तुक्का नहीं मारना, लेकिन जो जैसे होता है जैसे कोई ड्रेस के बारे में हमें क्वेश्चन आ गया तो हम उसके बाद बिल्कुल नहीं आइडिया होता ड्रेस के बारे में, तो हम नहीं करना चाहिए। अगर कोई साइंस का क्वेश्चन आ गया हमें उसके बाद स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन कुछ थोड़ा बहुत भी हम उसके बारे में पता, तो हम एक एस्टिमेट सब जो तैयारी कर रहे हैं हम इतनी डाइवर्सिफाइड नॉलेज होती है, हम एक इंटेलिजेंट गेस वर्क हम लगा सकते हैं, बस अपने आप हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। और प्री का जो हुआ जैसे है ये सही बात है, प्री का फियर सबको होता है, हम इस फियर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, और टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आप मेन एग्जाम में आप पक्का पास होंगे, क्योंकि आपने सारी गलतियाँ टेस्ट सीरीज में कर रखी है, जिस दिन आपको परफॉर्म करना होगा वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो यहीं पे हम अपनी जो डिस्कशन है हम क्लोज करेंगे, और मैं इनको जो अनुभव शर्मा है उनको बेस्ट विशेज मेरी तरफ से कि आप सक्सेस लो आगे और गवर्नमेंट सर्विस में जाओ और हिमाचल में अच्छा काम करो। जी सर। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बहुत जल्दी फिर से आए और HS का जो इंटरव्यू है वो आपको क्वालिफाई हो जाए, आपको आने वाले अच्छे समय आपको देखना चाहते हैं। यस सर। तो इस तरह से आपको विश यू गुड लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर।